निशातगंज फ्लाईओवर पे आज सवेरे 11:53 हो रहा है, लेकिन कोहरा अभी भी है। आज धूप नहीं निकली अभी तक। आगे मेट्रो जा रही है, खाली खाली है, कोई बुकिंग नहीं है। हम लोग आगे महानगर गोल चौराहे पे, यहाँ आसपास गाड़ी रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस वाले फोटो खींच के चालान करते हैं। सन्नाटे की जगह देख के बैठेंगे। आइए फ्रेंड, आज आपको हम बताते हैं ऊबर ने कमीशन कितना काटा। ये सवेरे की राइड है, 9:48 पर 13 मिनट लगा इसको ट्रिप कंप्लीट करने में। 7.2 किलोमीटर चला मैंने और इस पर कैश कलेक्ट किया 172 रुपीज़, जिसमें कमीशन काटने के बाद कंपनी ने मुझे दिया 109.73 रुपये। जैसे ओला उबर ने वादा कर रखा है कि 25% ही काटेंगे सरकारी रेट के अनुसार, नियम के अनुसार, लेकिन ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25% अगर आएगा तो 43 रुपीज़ करीब आते हैं और हमारा ये अर्निंग हो जाता है 129 हो जाता है ये। लेकिन इनकी गणित अलग ही चलती है और पेट्रोल और सीएनजी के अलग ही रेट हैं इस समय, 97-98 है सवेरे गैस और पेट्रोल भराने के बाद। और आज गैस भी भारी थी। गैस भारी का मतलब ये होता है कि गैस ज़्यादा पैसे की चढ़ेगी, लेकिन किलोमीटर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, 1-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है, तो वो भी महंगा पड़ जाता है। लेकिन इन कंपनी वालों को कोई मतलब नहीं है इससे, आप चाहे कुछ भी करें, हमें तो कमीशन पूरा चाहिए। सुबह से शाम तक काम करने के बाद रात में 9 बजे तक आखिर में कैलकुलेट करिए तो पता चलता है 250-300 रुपये ही निकल के आए, बाकी ऊबर कमीशन में चला गया, सीएनजी और पेट्रोल में चला गया। चुके हैं KGMU के गेट पे और आज गैस भी भारी थी। गैस भारी होने का मतलब वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे जिनके पास सीएनजी गाड़ी है। बस इतना समझ लीजिए कि आप अगर 2 किलो का बॉटल टंकी वाले को देंगे तो 2.5 किलो गैस भर के दे देगा उस 2 किलो के बॉटल में। और ऐसा नहीं है कि किलोमीटर आपकी ज़्यादा चलेगी गाड़ी, ज़्यादा नहीं चलती है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाती है पूरी टंकी में भरने के बाद। तो बस ये है कि वो महंगा पड़ जाता है गैस।